गलो घाटिया में चक्कर ते रोज ते हम की मारी रोज चबा दे बेकार खड़े हम के गरियाले दे माई हे माई गरियाले। फ्रेंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि जो गुड़िया गोरखपुरिया करके एक चैनल है, वो चैनल पे मतलब कि ये लोग ऐसे लोग हैं ना, जैसे कि व्यूज सिर्फ व्यूज पाने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब YouTube पे इतना ऐसा झगड़ा कर रहे हैं, चलो झगड़ा कर रहे हैं नॉर्मल बात, लेकिन इतनी गंदी गंदी गालियाँ एक दूसरे को देने का और सिर्फ व्यूज के लिए सब किया जा रहा है। अभी बीच में मालती और विष्णु का इतना झगड़ा हुआ था, मैं यही बोलती हूँ एक होना रहता है, हस्बैंड वाइफ हो तो एक तो हो गए, तो ये सब सोशल मीडिया पे सब चीज़ें क्यों लाते हो, क्यों दिखाते हो? हाँ मतलब कुछ पैसे के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए इतना नीचे गिर सकते हो? और सेम वो लोगों का देख ही देखा, अभी गुड़िया गोरखपुरिया ने भी चालू कर दिया है कुछ दिन से, वो लोग तो इतना ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बना रहे, इतना मतलब इतना तो पब्लिक पागल नहीं है कि नहीं समझ में आता है कि तुम ऐसा देख के लग रहा है ना कि ये लोग एकदम हकीकत मतलब झगड़ा कर रहे हैं ऐसा। लेकिन जो उन लोगों की कैटेगरी का रहेगा ना, वो लोग ही नहीं समझ पाएंगे कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं कि व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि दोस्तों देखो, आप लोगों का तो फायदा हो रहा है जो ये सब झगड़ा रगड़ा करके व्यूज इकट्ठा कर रहे हो, ये सब फायदा। और लेकिन जो देखता रहेगा वो लोग कितनी गालियां आप लोगों को देते रहेंगे कमेंट में, उनके जाके देखो एक भी अच्छा कमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। सब लोग इतनी गालियां दिए, लेकिन वो लोगों को जैसे लगता है पढ़ने लिखने ही नहीं आता है कि क्या, वो लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई हमको गाली दे रहा है कि क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ नहीं, हमको बस झगड़ा करना है, उल्टा सीधा वर्ड बोलना, अरे बाप रे ऐसा ऐसा वो लोग वर्ड बोलते हैं ना कि लोगों का सुन के दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो चैनल को उन लोगों के सब्सक्राइब भी नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे, सुबह YouTube चालू करो ना तो सामने ही दिख जाता है वो लोगों का वीडियो। और जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं, जो लोग अच्छा बनाते हैं वीडियो, उन लोगों को जो पब्लिक है वो सपोर्ट भी उतना नहीं कर रही है, और स्ट्राइक इधर उधर से स्ट्राइक आ जाता है। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं, एक रानी दीवानी करके एक चैनल है, मुंबई के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई के ही रास्ते पे चलते हैं। मगर एक गोरखपुर के विष्णु राहुल, राहुल विष्णु करके एक है कोई, तो उन्होंने उनके चैनल पर स्ट्राइक दिया है। क्यों दिया है? उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मतलब उन्होंने यूज़ किया था, तो इसके लिए उन्होंने स्ट्राइक दे दिया। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि मतलब कि कोई किसी का भला नहीं सोच सकता है, तुम्हारा तो भला हो रहा है। अगर थोड़ा सा उन्होंने एक ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप जो भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया, तो आपको स्ट्राइक देने की क्या ज़रूरत थी? कॉपीराइट स्ट्राइक आपने दिया है, खैर कोई बात नहीं, आपको वो सही लग रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक देना, आपका चैनल उन्होंने वीडियो जो है यूज़ किया आपने दे दिया। बट अगर वो सच्चाई है ना, तो जितने उनके सब्सक्राइबर है ना, तो जितने दिन में उन्होंने इतने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए ना, तो उसका आधा से क्या आधा का भी दिन नहीं लगेगा उतना चैनल सब्सक्राइब जो है वो खड़ा कर लेंगे, क्योंकि उनके साथ में पब्लिक है, उनके साथ में जनता है उनको सपोर्ट करने वाली, क्योंकि वह कुछ असली वीडियो नहीं बनाती हैं, कुछ गलत वीडियो नहीं बनाती, इसलिए सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जो गलत वीडियो बना रहा है उसको तो मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है, उसको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब उसको यूट्यूब वाले पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हाँ, और एक जो YouTube पे ना, एक सही हो रहा है तो एक बिगड़ रहा है, एक सही हो रहा है तो एक बिगड़ रहा है, यही चल रहा है। सोनी मोनी ऑफिशियल का जो चैनल था, अभी वो हिंदी फिल्म की अभी वो हीरोइन बन रही हैं, अभी उनके चैनल पे जाके देखी, अभी वो हिंदी फिल्म की हीरोइन बन रही हैं, इतने सारे कैसी कैसी वीडियो अपलोड करके वो शूटिंग कर रही हैं। अभी गुड़िया गोरखपुरिया का चालू हो गया है, तो ये सब क्या हो रहा है? YouTube पे तो एकदम खाली कंट्रोवर्सी सब कर रहे हैं, इनकी बातें उधर, इनकी बातें उधर, यही सब हो रहा है, पता नहीं क्या होएगा। मैं तो YouTube पे काम करने का मन ही नहीं करता है, जैसे सबका वीडियो देख के वो करके ना, लेकिन हम क्या, हम जो हमें सही लगेगा, हमें सही लगेगा हाँ इस पे वीडियो बनाना चाहिए, करना चाहिए, तो हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों।